Hey everyone, welcome back to Mind Spine Tutorial. So our today's topic is classification of fishes as proposed by Berg. And ये जो classification of fishes topic है, it comes under ichthyology. और इसमें सबसे पहले अगर हम start करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो normally basic जो classification होता है, वो आ जाता है. That is phylum यहाँ पर chordata है fishes का. Chordata जो organism जो chordata के अंदर आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, पोस्ट एनल टेल होती है, फेरिंजल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन करी, कैरेक्टर्स हम मेंशन करें, वो उनकी लाइफ की किसी भी स्टेज में हो सकते हैं. इधर वो उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ हो सकती है या फिर उनकी अडल्ट लाइफ हो सकती है. नेक्स्ट थिंग इज ग्रुप. ग्रुप यहाँ पर क्रेनिएटा होता है, जिन ऑर्गेनिज्म में ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्रेनियम कहलाता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्रेनिएट डेटा के अंदर इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट इज वर्टिब्रेटा, ऑर्गेनिजम्स हैविंग वर्टिब्रे. तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ आ जाती है हम लोगों के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज इज प्रपोज्ड बाय बर्ग, जो हमारा टॉपिक है, उसको समझने के लिए क्लासिफिकेशन होता क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है. सो ऑर्डरिंग द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप. अगर हम ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को, उनकी रिलेशनशिप के बेसिस पर ऑर्डर कर दें, जमा दें, तो ऐसी चीज़ को क्लासिफिकेशन कहा जाता है. और हमारा ये जो टॉपिक है, यहाँ पर बर्ग नाम के साइंटिस्ट की हमने क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है, लेकिन कई बार मुलर के ऊपर भी आ जाता है क्वेश्चन, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया उस पर भी क्वेश्चन आता है. सो लास्ट में हम क्या करेंगे कि ये वाला जो बर्ग का क्लासिफिकेशन है, इसको देखने के बाद दूसरे साइंटिस्ट का भी क्लासिफिकेशन यहां पर नोट करते चलेंगे. एंड एक और चीज यहां पर, अगर हम लोग जो टैक्सोनॉमी है इक्थियोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, तो देन इट इज नोन एज इक्थियो टैक्सोनॉमी. उस तरह की टैक्सोनॉमी को यहां पर इक्थियो टैक्सोनॉमी कहा जाता है. अब यहां पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले. तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं. और एकदम सबसे ज्यादा बेसिक जो फिशेज के बारे में होता है, वो हम यहां पर देखने वाले हैं. फिशेज जो रहती हैं, यानी पाइसेस उनका दूसरा नाम होता है, इनका जो गोल्डन पीरियड था वो डेवोनियन पीरियड था. इसके ऊपर कई बार कहना चाहिए एमसीक्यूज आ चुके हैं कि गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए उसको डेवोनियन पीरियड कहते हैं. ऐसे करके जैसे सिलूरियन पीरियड रहता है, अलग अलग तरह के पीरियड्स रहते हैं. तो फिशेस का आपको अभी फिलहाल मैं बता रही हूं, तो गोल्डन पीरियड था डेवोनियन. फिशेस में स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है. अगर उनकी बॉडी में इस तरह का शेप ना हो, जो थोड़ा बोट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो उसमें वो पानी में अच्छे से स्विम नहीं कर पाएंगी. तो ये जो यहाँ इस तरह का जो इनका शेप है, ये पूरा, ये स्ट्रीम लाइन बॉडी कहलाता है. देन फिशेस एक्वेटिक होती है, हमें अच्छे से पता है, पानी में रहती है. पानी दो तरह के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन, दोनों. फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन जो रहती है वो प्रेजेंट, ऑक्सीजन नहीं कहना चाहिए, सॉरी, सॉल्ट कंसेंट्रेशन जो रहता है वो नहीं रहता है, ना के बराबर रहता है, बहुत कम रहता है. और जो मराइन वाटर रहता है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहती है. सो एक्वेटिक तो ये बात हो जाती है. कोल्ड ब्लडेड रहती हैं फिशेस, यानी कि इनमें जो कहना चाहिए, जिस तरह से इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है, उसी तरह से इनकी बॉडी में भी चेंज होता है. ये वार्म ब्लडेड का ठीक अपोजिट रहती है. सो कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम पोइकिलोथर्मिक भी होता है. जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हम होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड रहते हैं, लेकिन फिशेस कोल्ड ब्लडेड रहती है. और यहाँ पर आपको एक और टिप याद रखनी है कि ह्यूमंस और मतलब कहना चाहिए मैमल्स और जो एव्स रहती हैं, बस ये दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं. बाकी वर्टिब्रेट्स जो रहते हैं, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये तीनों ही जो रहेंगे वो कोल्ड ब्लडेड के साइड में जाएंगे. फिर उसके बाद जो नेक रहती है फिशेस के अंदर, वो एब्सेंट रहती है. कभी भी हमने फिशेस में नेक नहीं देखी. बाकी इनमें पूरी बॉडी रहती है, इनका जो बीच का पोर्शन होगा, इनका हेड रहेगा, टेल रहेगी, सब कुछ होता है, लेकिन नेक इनमें एब्सेंट रहती है. माइनस एंटी यानी एब्सेंट. डर्मल स्केल्स इनकी बॉडी पर प्रेजेंट रहती है. और डर्मल स्केल्स इनकी बॉडी पर प्रेजेंट है, स्केल्स गैनोइड, टीनोइड, साइक्लोइड, अलग अलग तरह की हो सकती है, फिशेस पे वेराई करती है. बट यहाँ पर जो कैट फिश रहती है, टॉरपेडो जो रहती है और वेलागोनिया जो रहती है, तीन फिशेस के नाम आपको यहाँ नोट करना है, टॉरपेडो, वेलागोनिया. इन तीनों फिशेस की बात करें तो ये स्केल लेस होती है, यानी इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते. फिन्स इनमें दो तरह के होते हैं फिशेस के. ऊपर वापस हम नॉर्मल पॉइंट्स पे आ गए. यहाँ पर ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, कैट फिश, टॉरपेडो एंड वेलागोनिया. देन फिन्स यहाँ पर पेयर्ड, अनपेयर्ड दो तरह के हो सकते हैं. मैंने एक डायग्राम बनाया है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले
फॉर एग्जाम्पल ये फिश है कोई, और यहाँ पर ये जो दो एक दूसरे के सामने फिन है, एक दूसरे के सामने आ गए, नहीं पेयर्ड है, एक दूसरे के साथ ही है यहाँ पर, तो ये जो दोनों आगे वाले फिन है और पेयर्ड है उन्हें कहा जाता है पेक्टोरल, एंड पी फॉर पेयर्ड। दूसरे फिन, यहाँ पर एक फिन दिख रहा है, इसका कोई साथी सामने आपको नहीं दिख रहा है, तो जो सिंगल फिन है उसको मिड डॉर्सल फिन कहा जाता है, और ये होता है अनपेयर्ड। तो यहाँ अनपेयर्ड आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर दो फिन फिर से आ रहे हैं, और ये जो दोनों फिन है दो एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से फिन है, ये पेल्विक फिन है, क्योंकि पीछे वाले पोर्शन में आ रहे हैं, आगे वाले पेक्टोरल, और जो पेल्विक प्लेसेस के आसपास है वो पेल्विक फिन कहलाएंगे, और ये भी अगेन पेयर्ड होते हैं, क्योंकि इन दोनों में दो प्रेजेंट आ रहे हैं, दो ग्रुप, दो कहना चाहिए पेयर बन रहा है। दूसरी बात, लास्ट में यह जो टेल रहती है, टेल के ऊपर भी एक फिन बनता है जिसको टेल फिन या फिर कॉडल फिन कहते हैं, कॉडल फिन का दूसरा नाम अनपेयर्ड रहता है। सो ये हो गया, और फिन्स के जो ओरिजिन ऑफ अनपेयर्ड फिन्स, और फिन्स कितनी तरह के हो सकते हैं, फिन रेस क्या हो सकती है, रेडियस क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑन दैट टॉपिक, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिशेस जो रहती है वो एनएमनियोट्स होते हैं, यानी इनमें एमनियोटिक सैक जो रहता है वो प्रेजेंट नहीं होता। एमनियोट जो रहती है वो क्या हो सकती है, कोरियन, फिर उसके बाद एनएमनियोन यानी एब्सेंट, यहाँ पर ए का मतलब ये हो रहा है, और एमनियोन तो हमें पता है, तो एनएमनियोन रहते हैं कोरियन, एमनियोन, एलेंटोइज और योक सैक इनमें एब्सेंट रहता है, तो ये इसका मतलब हो गया एनएमनियोट्स का। इनमें दो नोस्ट्रिल्स होती है, इसलिए ये डायराइनस कंडीशन कहलाती है। जिन ऑर्गेनिज्म में दो नोस्ट्रिल होती है उनको डायराइनस कहते हैं, जिनमें एक नोस्ट्रिल होती है उसको मोनोराइनस कहते हैं। सो यहाँ फिशेज तो डायराइनस होती है, इनके अंदर कोई एक्सटर्नल या फिर मिडल ईयर नहीं होता, आपको ये लर्न करना है, एक्सटर्नल और मिडल ईयर यहाँ पर नहीं होता, बाहर का और बीच वाला ईयर नहीं है, लेकिन इनमें इंटरनल ईयर होता है, तो इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट, और ये जो इंटरनल ईयर होता है वो स्टेटोरिसेप्टर की तरह वर्क करता है। स्टेटोरिसेप्टर यानी कि बैलेंसिंग में हेल्प करने वाले जो कहना चाहिए ऑर्गन्स होते हैं, वही उनको स्टेटोरिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे कि ईयर्स भी कई हद तक बैलेंस करने में हमें हेल्प करते हैं, तो वो वाली चीज़ जो होती है वो इनकी यहाँ पर मेंशन की गई है। रेस्पिरेशन जो फिशेस में होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, हम सभी जानते हैं इसमें, और कुछ गिल्स जो रहते हैं वो कभी कभी ओपरक्यूलम के अंदर कवर्ड हो सकते हैं, और कभी कभी बिना ओपरक्यूलम के भी हो सकते हैं। सो गिल्स तो सारे फिशेस में हो गए, बट विथ और विदाउट ओपरक्यूलम इट कैन वेयर आई। फिर उसके बाद लंग फिशेज भी कभी कभी होती है, गिल्स के अलावा लंग्स वाली फिशेज भी हो सकती है, जैसे ह्यूमंस में लंग्स होता है वैसे ही फिशेज में भी लंग्स हो सकता है, और ऐसी फिशेज जिसमें लंग्स भी प्रेजेंट होता है वो क्लास डिप्नोई के अंदर आती है। तो डिप्नोई वर्ड अभी से याद कर लेंगे आप, आगे मैं और मेंशन करूंगी इसके बारे में। सो डिप्नोई लंग्स से रिलेटेड होता है, और जो रेस्पिरेशन होता है यहाँ पर उसके अंदर एयर जो ब्लैडर रहता है वो प्रेजेंट रहता है। दूसरी बात, वीनस हार्ट इनमें रहता है, वीनस हार्ट का मतलब ऐसा हार्ट जो कि हमेशा इम्प्योर ब्लड को ही पंप करता है। सो वीनस हार्ट इनमें होता है, और हार्ट इनका टू चैम्बर्ड रहता है जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हुए चल रहे हैं पहले पाइसिस की, फिर हम मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। ब्लड प्योरिफिकेशन इन लोगों का, फिशेस का, गिल्स के थ्रू होता है। सिंगल सर्कुलेशन इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, यानी कि ब्लड जो होता है वो हार्ट से सिर्फ एक टाइम के लिए गुजरता है। आरबीसी यहाँ पर न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस वाले होते हैं। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों ही इनमें होता है। एम्फीसीलस वर्टिब्रा इनमें पाई जाती है। सेंट्रम जो रहता है यहाँ पर दोनों सर्फेस से कॉन्केव रहता है, इसीलिए इसको एम्फीसीलस कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स इनके अंदर 10 पेयर्स होती है, उसके नाम बाद में आपको याद करवा दूंगी उसकी एक ट्रिक से, तो आपको लर्न हो जाएंगे। मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है, यानी कि एक ऑसिपिटल कोंडाइल इनमें प्रेजेंट होता है। मीजोनेफ्रिक किडनी इनमें पाई जाती है। इनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो वेराई कर सकते हैं। फ्रेश वाटर फिशेज जो होती है वो भी फ्रेश वाटर बोनी फिशेज जिनमें बोन्स होती है, ऐसी फिशेज में अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है। मराइन बोनी फिशेज के अंदर क्या एक्सक्रीट आउट होता है, TMAO जो होता है मिथाइल अमीनो ऑक्साइड। कार्टिलेजनस फिशेज जिनमें बोन्स की जगह कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, अगर आप आपका ईयर हाथ लगा कर देखेंगे तो वहाँ पर वो जो सॉफ्ट बोन होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, बाकी हम लोग पूरी जगह बोन से बने होते हैं। उसी तरह से ऐसी फिशेज जिसमें सिर्फ कार्टिलेज से बनी होती है जैसे कि शार्क, उसको कार्टिलेजनस फिशेज कहा जाता है। इनमें यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। यूरिनरी ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है, लार्वा इसमें बनता नहीं है। जो बेबी फिश होती है, छोटी बच्चे होते हैं फिशेज के, उनको फ्राई नाम दिया जाता है। यूनिसेक्सुअल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पर होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग से नजर आते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस नहीं होते। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकता है। माइग्रेशन दो तरह का होता है यहाँ पर, कैटरड्रोमस और एनाड्रोमस। कैटरड्रोमस का मतलब होता है फ्रेश वाटर जो रहता है, जो कहना चाहिए माइग्रेशन, जब फिशेज फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में चली जाती हैं फॉर ब्रीडिंग या फिर किसी भी चीज़ के रीजन की वजह से, तो फ्रेश से अगर मराइन में जा रही है तो वो होती है एंग्विला, यहाँ एग्जाम्पल है, उसको कैटरड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। और एनाड्रोमस ऐसा माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, और वो भी कैसे, मराइन वाले पानी से, सॉल्ट वाले पानी से, बिना सॉल्ट वाले पानी में चले जाना। एग्जाम्पल है सामन, हिल्सा एंड ट्राउट।
फिशेस जो रहती हैं वो एंसेस्टर्स हैं करीब करीब सारी वर्टिब्रेट्स की. हैग फिशेस सबसे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट होती है. लेंसलेट, कोनोडोंट, ऑस्ट्रेकोडम्स ये भी सारे एंसेस्टर्स के नाम में आ जाते हैं. इवोल्यूशन जो था फिश का एक्सप्लोजन के टाइम पे शुरू हुआ था, ये वर्ड आपको याद रखना है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन. कोनोडोंट्स और ऑस्ट्रेकोडम्स जो हैं वो लेट कैम्ब्रियन पीरियड में ओरिजिनेट हुई थी. जॉ वाली जो एक्सटेंट फिशेस हैं वो लेट सिलूरियन पीरियड में आई थी. डेवोनियन पीरियड एज ऑफ फिशेस कहलाती, वही गोल्डन एज ऑफ फिशेस वही डेवोनियन पीरियड है. क्लासिफिकेशन जो फिशेस का था वो पहले बोन्स और ब्रेन के बेसिस पर किया जाता था. तो माना जाता था कि फिर बोन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा. सो टू स्कूल ऑफ थॉट्स वहाँ पर थे, दो ऐसे रीजन सोचे गए. पहला था कि हो सकता है जो बोन्स हैं बोन्स सबसे पहले कैसे बनी होगी. तो बोन्स का ऐसा माना जाता था जो डेंटिकल्स होते हैं स्किन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे लगे होते हैं उनके ऊपर, तो वो जो डेंटिकल्स हैं जैसे कि जो शार्क में प्रेजेंट होते हैं कहीं ना कहीं उसी से बोन बनी होगी. बाद में कुछ और लोगों ने कहा कि कुछ और रीजंस आए, तो उन्होंने कहा नहीं, एक्यूमुलेशन हुआ होगा मिनरल्स का जैसे कि कैल्शियम किसी जगह पर शुरू में थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ होगा, धीरे धीरे वो इकट्ठा हुआ होगा और ऐसे करके उन्होंने कैल्शियम बनाया होगा, कैल्शियम से बोन बन गई होगी. और सबसे पहले जो पहली बोन दिखने को मिली थी, सो फर्स्ट बोन्स जो थी जब वो ऑब्जर्व हुई थी ऑस्ट्रेकोडम्स में हुई थी, और वो बोनी आर्मर्स थे अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो. एडेप्टिव रेडिएशन जो थे उसी की वजह से जॉज और पेयर्ड अपेंडिजेस फिशेस में बने हैं, और इसी चीज़ की वजह से डिफरेंट फिशेस बनी और अलग अलग तरह की फिशेस दिखाई देती, तो एडेप्टिव रेडिएशन था. ओरिजिन ऑफ फिशेस माना जाता है कि मराइन वाटर से हुआ होगा. फ्रेश वाटर से इसलिए नहीं माना जाता कि जो फ्रेश वाटर फिशेस रहती है, फ्रेश वाटर पूरी अर्थ पे बहुत कम है और सिर्फ 41% जो होती है फिश की वैरायटी वो फ्रेश वाटर में होती है. सो 0.0093% जो था टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ वाटर सिर्फ वही फ्रेश वाटर है. तो इससे ये साबित हुआ कि इतने सारे अगर ऑर्गेनिजम्स को अगर बनना था तो वो मराइन वाटर से बने होंगे. देन यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, अब हम इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ये सारी चीज आपको इंट्रोडक्शन में आपके हिसाब से कम ज्यादा करके आप बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन था. सो वर्टिब्रेटा के अंदर एनाथा, नेथोस्ट्रोम्स दो तरह के होते हैं, जॉलेस या फिर पेयर्ड अपेंडिजेस जिनमें नहीं होते वो एनाथा होते हैं. नेथोस्ट्रोम्स ऐसे ऑर्गेनिजम होते हैं जिसमें जॉस प्रेजेंट होते हैं. जॉस का मतलब क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर टीथ लगे होते हैं उन्हीं को जॉस कहते हैं. सो जॉस जिनमें हो और पेयर्ड अपेंडिजेस जिनमें हो उन्हीं को नेथोस्ट्रोम्स कहते हैं. फिर उसके बाद जो जॉलेस वाले ऑर्गेनिजम्स हैं यानी एनाथा जो है वो उसमें दो आ जाते हैं, हैग फिशेस माइक्सीन और दूसरे होते हैं लैम्प्रेस जो कि सिफेलोस्पाइडोमॉर्फी में आ जाते हैं. और जो साइक्लोस्टोमेटा है उसको ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसमें ओरिजिनली साइक्लोस्टोमेटा कैसे दिखते हैं मैंने उसको वैम्पायर्स ऑफ द डीप कर एक वीडियो में दिखाया भी है, तो आप देख सकते हैं. दूसरी बात, नेथोस्ट्रोम्स दो तरह के होते हैं, ऑस्ट्रिक थाइस एंड कॉन्ड्रिक थाइस. ऑस्टिक थाइस कौन सी फिशेस होती है, जो कि बोन जिनमें होती है, हड्डियाँ उनकी कैसी होती है, बोन की बनी होती है. और कॉन्ड्रिक थाइस में कार्टिलेजनस स्केलेटन होता है. बोनी तो यहाँ पर आ गया, कार्टिलेजनस यहाँ पर होता है. तो ये तो बात होगी इंट्रोडक्शन की.